नोटों पे सर्जिकल स्ट्राइक। आज केनाई निरीक्षण कालाधन और भ्रष्टाचार पर जो देश के प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णय किया है, पूरे देश की उसका स्वागत कर रही है। मात्र ऐसे कुछ ही मगरमच्छ जिन्होंने उत्तर प्रदेश और देश की जनता की गाढ़ी कमाई को अपने भ्रष्टाचार के माध्यम से अरबों खरबों इकट्ठा कर रखा था, उनकी पेट का पानी नहीं पच रहा है। और उत्तर प्रदेश में मात्र ऐसे दो नेता ही जिन्होंने इसका विरोध किया, वो है मायावती जी जो भ्रष्टाचार की देवी है, अकूत पैसा कमा रखा है टिकटों की नीलामी करके, जिन्होंने अरबों खरबों का वारा न्यारा किया है। दूसरे श्री मुलायम सिंह यादव जी जिनकी सरकार है और जिनकी छत्रछाया में आज अरबों खरबों का बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए ये निर्णय दुखदायी जरूर रहा है, लेकिन पूरे देशवासियों के लिए यह निर्णय बहुत ही सुखदायी रहा है। और लोगों को विश्वास हुआ कि मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, कालाधन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात नहीं, वो करके दिखाया। प्रधानमंत्री का नाम लेकर के चुनाव जीते हैं, और क्या लगता है आपको आगे देश के संबंध कैसे होंगे अमेरिका से? इसमें कोई दो राय नहीं कि आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी न ही केवल इस देश के आदर्श हैं, बल्कि आज दुनिया के सबसे मजबूत नेता के रूप में वो जाने जाते हैं। जहां पहले कभी अमेरिका के राष्ट्रपति की हनक पूरे दुनिया में होती थी, वहीं पर आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हनक पूरे दुनिया में है। यहां तक कि अमेरिका के जीते हुए राष्ट्रपति के प्रत्याशी